दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके इस अपने YouTube चैनल रजा इंटीरियर में। और दोस्तों आज की इस वीडियो में एक बिल्कुल नया PVC सीलिंग डिज़ाइन आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं। दोस्तों सबसे पहले आप इस रूम की पूरी कंडीशन जो है वो देख सकते हैं। ये पूरी सीलिंग का डिज़ाइन मैं आपको दिखा रहा हूं, कैसा पहले जो है वो सीलिंग है और होने के बाद में जो सीलिंग है वो कैसी होगी। सबसे पहले मैं देखिए दोस्तों जो भी हमारे भाई PVC का काम हमारे चैनल से जो है वो सीख रहे हैं या जो भी लोग हमारे काम मतलब चैनल से काम देखकर जो काम करा रहे हैं तो उनके लिए ये एक बिल्कुल नया वीडियो जो होने वाला है। इसमें मैं पूरा आपको जो हमने फ्रेमिंग की है वो पूरी आपको दिखाऊंगा किस तरीके से फ्रेमिंग की है और जो डिज़ाइन हम बना रहे हैं बिल्कुल न्यूली डिज़ाइन है। ऐसा डिज़ाइन आपने पहले कभी पूरे YouTube पर जो है नहीं देखा होगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। तो लास्ट तक वीडियो को देखते रहें, वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो पूरी जानकारी इस डिज़ाइन से रिलेटेड मैं आपको जो है दूंगा किस तरीके से पूरा डिज़ाइन जो है बनाया गया है। सबसे पहले दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो बॉर्डर है हमने दीवार की तरफ से जो बॉर्डर दिया है ये 12-12 इंच का हमने जो पैरामीटर लगाए हैं लोहे के पैरामीटर चारों तरफ लगाए हैं। 12 इंच पर हमने पैरामीटर लगाए हैं चारों तरफ और नीचे हमने इसको 6 इंच डाउन जो है वो सीलिंग को किया है। और बीच वाला जो बॉर्डर आप देख रहे हैं दोस्तों ये 6 इंच पर हमारा दोस्तों बॉर्डर नीचे की तरफ भी डाउन है और बीच में भी जो इसकी जगह दी गई है वो 6 इंच की है और दोनों तरफ 3-3 इंच की कोव आने के बाद में 12 इंच का पैनल जो है वो हमारा यहाँ पर लगना है। तो वो भी आप यहाँ पर जो है बिल्कुल देख सकते हैं कि बिल्कुल क्लोजली मैं पूरे वर्क को आपको दोस्तों दिखा रहा हूँ किस तरीके से पूरा वर्क जो है किया गया है। ये पूरा जाल जो है वो बांधा गया होगा। अभी दोस्तों आपको बिल्कुल भी कुछ भी जो है समझ में इस जाल में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे वर्क होता जाएगा आपको समझ आ जाएगा किस तरीके से पैनलिंग जो है की जाएगी। तो अब यहाँ पर मैं आपको दोस्तों दिखा रहा हूँ जो हमारी अप सीलिंग है, यानी जितना एरिया हमारा वाइट पैनल में आना है तो वो हमने जो है लगा दिए हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं वाइट पैनल वाला यानी अप सीलिंग हमारी हो चुकी है। डाउन जो भी हमें करना है जैसे बाहर का बॉर्डर है, बीच वाला बॉर्डर है और राउंड शेप में एक हमें डिज़ाइन देना है तो वो भी आगे आप जो हो देखें किस तरीके से पूरा डिज़ाइन जो हो दिया जाएगा। ये आप देख सकते हैं सफ़ेद वाला जो पैनल आप देख रहे हैं यानी वाइट कलर का जो पैनल देख रहे हैं, पूरा पैनल 9 फुट का पैनल इस पूरी सीलिंग में जो है लगाया गया है दोनों तरफ आप देख सकते हैं। बीच वाला जो बॉर्डर आप देख रहे हैं 6 इंच का, इसके दोनों तरफ व्हाइट कलर के पैनल दोस्तों जो है लगाए गए हैं, ये बिल्कुल क्लोजली आप देख सकते हैं। और जो ये बीच वाला बॉर्डर आप देख रहे हैं, फैन वाला एरिया आप देख रहे हैं, तो इसमें हमारा एक राउंड शेप में डिज़ाइन आना है और इस पे ब्राउन कलर के पैनल जो है वो लगने हैं। बॉर्डर में भी चारों तरफ हमारे ब्राउन कलर के पैनल ही जो है लगेंगे। तो अब मैं आपको जो है दोस्तों दिखा देता हूँ कि जो ब्राउन कलर के पैनल हैं हमारे किस तरीके से लगाए जाएंगे। तो चलिए अब जो है साइड हमारी जो आपको खोली दिख रही हैं जिनमें वाइट कलर का पैनल जो है लगा हुआ है तो उनको भर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ब्राउन कलर के पैनल से जो साइडें हैं वो भरी जा रही हैं और उसके बाद में बॉर्डर के पैनल लगाए जाएंगे। बॉर्डर के पैनल लगाने के बाद में पूरा डिज़ाइन जो है वो फिनिश किया जाएगा और बीच में हमारा राउंड शेप वाला डिज़ाइन भी जो है वो आ जाएगा। तो ये आप बिल्कुल क्लोजली जो है वो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से पूरा वर्क किया जा रहा है। अब मैं आपको फाइनल लुक जो है दोस्तों दिखा देता हूँ बॉर्डर का। ये आप देख सकते हैं बीच वाला हमारा बॉर्डर जो है वो लग चुका है और अभी साइड वाले बॉर्डर जो है लग रहे हैं आप देख सकते हैं। मैं बिल्कुल क्लोजली पूरे वर्क को आपको दोस्तों दिखा रहा हूं। पैनल ब्राउन कलर का हम लगा रहे हैं साइड में भी चारों तरफ और बीच में जो 6 इंच वाला हमने बॉर्डर दिया था उस पर भी हमारा 12 इंच का पैनल जो है वो लग रहा है। और ये जो बाहर वाला आप पैनल देख रहे हैं दोस्तों ये 15 इंच का है क्योंकि 12 इंच पर हमने इसमें जाल जो है वो बांधा था यानी फ्रेमिंग जो की थी और 15 इंच पर इसका जो बाहर की तरफ आप देख रहे हैं ये ब्राउन कलर का बॉर्डर, तो ये 15 इंच का पैनल हमारा लगा हुआ है। बिडिंग भी आप देख सकते हैं ब्राउन कलर की लगी हुई है, प्रॉपर फिनिशिंग इसमें आपको नज़र जो है वो आ रही होगी। और कुछ टाइम थोड़ा सा टाइम और वेट कीजिए दोस्तों, फिर आपको मैं पूरा बिल्कुल डिज़ाइन पूरा ख़त्म होने के बाद में यानी पूरा काम कंप्लीट होने के बाद में डिज़ाइन हमारा कैसा निकल करके आएगा लाइट ऑफ करके भी मैं आपको दिखाऊँगा और लाइट ऑन करने के बाद भी आपको दिखाऊँगा डिज़ाइन कैसा हमारा निकल करके आया है। और इस पूरे रूम में ही हमने दोस्तों PVC पैनलिंग जो है वो की है, सभी वॉल्स को इसकी PVC पैनल से कवर किया गया है और सभी जितने भी दोस्तों वॉल्स हैं और पूरी सीलिंग को PVC पैनल से कवर किया गया है। तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि ऐसा रूम पहले डिज़ाइन हुआ आपने जो नहीं देखा होगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, लास्ट तक वीडियो को पूरा देखते रहें। ये आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा बीच वाला भी डिज़ाइन अब कंप्लीट जो हो चुका है। साइड वाले सभी मैंने आपको जो दोस्तों दिखा दिया है और जो भी हमारे भाई PVC का वर्क सीख रहे हैं तो उनके लिए ज़रूरी है कि आप देखें ये इस डिज़ाइन को बिल्कुल क्लोजली आप देख सकते हैं। राउंड शेप वाला जो दोस्तों हमारा बॉर्डर बनाया गया है ये 10 इंच का बॉर्डर है और इसकी जो टोटल चौड़ाई है वो 68 इंच का है। पूरा जो राउंड शेप वाला डिज़ाइन है हमारा 68 इंच का है। 4 बॉक्सेस हमने जो है दिए हैं दोस्तों जिनमें छोटी COV लाइट जो है वो आनी है और जितने भी बॉर्डर आप चारों तरफ देख रहे हैं या बीच में बॉर्डर जो है वो देख रहे हैं तो इसमें हमारी वॉर्म वाइट कलर की
की स्ट्रिप लाइट जो है वो आएगी। स्ट्रिप लाइट को मैं ऑन करके भी आपको दिखाऊंगा कि स्ट्रिप लाइट ऑन होने के बाद में कैसी दिखाई देती है। फिलहाल यहाँ पर बिल्कुल क्लोजली पूरा डिज़ाइन आप देखिए, डिज़ाइन को किस तरीके से जो कन्वर्ट है वो किया गया है। पहले सीलिंग का डिज़ाइन आपने देखा था कैसा था, और अभी जो फाइनल लुक में जो डिज़ाइन है वो कैसा निकल करके हमारा आया है। और अभी लाइटिंग ऑन होने के बाद में, अभी क्योंकि देखिए लाइट लगनी जो थोड़ी बाकी है, साइड की लाइटें जो हमारी लग चुकी हैं, फाइनल लाइट सारी लाइट लगने के बाद में पूरा डिज़ाइन आपको दोस्तों दिखाने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर खर्च के बारे में भी बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, अगर आप पीवीसी सीलिंग कराना चाहते हैं तो दोस्तों 120 रुपये पर स्क्वायर फुट के हिसाब से अभी के रेट में आप जो है वो पीवीसी सीलिंग करा सकते हैं। ये जो प्राइस है दोस्तों, ये अभी हमारे फिलहाल के लिए है, यानी एक दो महीने के लिए रेट जो है वो आप सुन रहे हैं। अगर इस वीडियो को आप एक साल बाद, दो साल बाद, तीन साल बाद या चार साल बाद, यानी जब भी आप एक साल के बाद कभी भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो हम अभी प्राइस बता रहे हैं, इन प्राइस, ये प्राइस उस टाइम के जो है नहीं रहने वाले हैं। और आप प्राइस के लिए, लेटेस्ट प्राइस के लिए हमारा लेटेस्ट वीडियो ही देखेंगे तो उसमें आपको प्राइस का जो है पता चल पाएगा, क्योंकि रेट जो है वो घटते बढ़ते रहते हैं, तो हम भी अपने रेट जो है घटाते बढ़ाते रहते हैं। यानी कम भी हो जाए, जब कम रेट चलते हैं तो हम जो 120 अभी चल रहा है जैसे, और कम होगा तो हम कम भी करेंगे, और ज़्यादा होगा तो ज़्यादा भी करेंगे। तो लेटेस्ट प्राइस के लिए आप अगर वर्क कराना चाहते हैं तो लेटेस्ट वीडियो हमारा देखेंगे। अभी फिलहाल जो मैं डिज़ाइन आपको दोस्तों दिखा रहा हूँ, ये बिल्कुल हमारा कंप्लीट डिज़ाइन है। अब इसमें कोई भी वर्क जो है हमारा नहीं रहा है, बीच में बस सीओवी लाइट लगनी है, वो अभी थोड़ा वर्क जो है रह जाता है, बाकी पूरा पीवीसी का पूरा काम जो है कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए फाइनल लुक है, और ऐसा डिज़ाइन पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं पर भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। 120 रुपये पर स्क्वायर फुट के हिसाब से आप पीवीसी सीलिंग जो है करा सकते हैं। यानी अगर मान लीजिए एक 10x10 का आपका रूम है, तो आपका 12,000 रुपये का तो खर्चा आएगा आपका एक सीलिंग का। और अगर आप वॉल पैनलिंग कराना चाहते हैं, जैसा कि मैं अभी आपको इस वीडियो में जो है दिखाने वाला हूँ, देखिए सबसे पहले मैं अभी पूरी सीलिंग दिखा दी है, उसके बाद मैं वॉल जो है दिखा देता हूँ, वॉल को हमने किस तरीके से डिज़ाइन में कन्वर्ट किया है। ये आप देख सकते हैं, दो कलर के पैनल यहाँ पर जो है यूज़ किए गए हैं, टेक्सचर टाइप दोनों पैनल हैं। ये वाला जो वाइट कलर का पैनल आप देख रहे हैं टेक्सचर में, ये सभी वॉल्स पर जो है इंस्टॉल किया गया है। बीच में बेड की बैक वॉल के लिए एक डिज़ाइनिंग में हमने पैनल दिया है, दूसरा पैनल दिया है, तो वो भी यहाँ पर जो देख सकते हैं, ब्राउन कलर की जो बिडिंग है दोस्तों वो दी गई है। दोस्तों दीवार के ऊंचा नीचा होने से भी पैनल में जो है वो आप देख सकते हैं, ये हमारा जो है फ्लावर वाला पैनल है, तो ये एज डिमांड ऑफ ओनर जो पूरा पैनल है वो लगाया गया है। डिज़ाइन को आप बिल्कुल क्लोजली जो है दोस्तों देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, सीलिंग का रेट 120 रुपये पर स्क्वायर फुट के हिसाब से अभी करा सकते हैं, और जो वॉल आप कराएंगे तो 75 रुपये पर स्क्वायर फुट के हिसाब से, यानी 75 RS पर स्क्वायर फुट के हिसाब से आप जो है पूरा अपना रूम जो है डेकोरेट करा सकते हैं। जो वॉल्स हैं सभी वॉल्स आपकी 75 रुपये पर स्क्वायर फुट के हिसाब से ही जो है होंगी। यानी मान लीजिए अगर आपका एक 10x10 का रूम है, और उसमें एक दीवार को मैं आपका एक दीवार का प्राइस बता रहा हूँ, एक दीवार अगर आपकी 10x10 की है, तो आपका 100 स्क्वायर फुट एरिया जो है वो हो जाएगा, और 75 रुपये पर स्क्वायर फुट के हिसाब से आपका 7500 रुपये एक दीवार का खर्च होगा। एक दीवार आपकी 7500 रुपये की होगी। इसी तरीके से आप चारों दीवारों में अपना खर्च जो है ले सकते हैं, अपना कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जो डोर का साइज होगा और विंडो का साइज होगा वो उसमें माइनस कर दिया जाएगा, डोर और विंडो का साइज माइनस कर देंगे। उसके अलावा जितना भी एरिया आपका होगा उस हिसाब से आपका पूरा वर्क जो है वो किया जाएगा। LED पैनल वगैरह है या कोई भी ऐसी जगह जो छूटनी है जहाँ पर PVC पैनल नहीं लगना है, तो उस कैलकुलेशन को हम जो है निकाल लेंगे। बाकी जितनी भी वॉल्स आपकी बची हैं उस पर आप जो भी पैनलिंग कराना चाहते हैं, चाहे आप आधी दीवार पर कराएं या पूरी दीवार पर कराएं, तो वो उस हिसाब से आपका कैलकुलेट जो है वो किया जाएगा। तो मान लीजिए एक नॉर्मल से आपको बता के चल रहा हूँ, अगर आपके एक 10x10 का पूरा रूम है तो 40 से 45 हज़ार रुपये खर्च आपका आएगा एक रूम में, पूरा फुल्ली बेहतरीन PVC पैनल डिज़ाइन कराने में। यानी सीलिंग भी आपकी उसमें बेहतरीन डिज़ाइन होगा, और जो वॉल्स पर पैनल लगने हैं वो सभी सुपर हैवी पैनल जो है वो इंस्टॉल किए जाएंगे। किसी भी तरीके की कोई भी कमी यहाँ पर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी, बिल्कुल प्रीमियम टाइप का हमारे पास वर्क जो है वो किया जाता है। और यहाँ पर देखिए इस रूम में एक वॉल पर लोअर पैनल भी जो है लगाए गए हैं। लोअर पैनल की एक मैंने अलग से वीडियो जो है वो अपलोड की थी, लोअर पैनल की अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं, या हमारे चैनल पर जाकर के विजिट कर सकते हैं।
लोअर पैनल के प्राइस वगैरह सब कुछ उस वीडियो में जो बताए हुए हैं। और दोस्तों ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को ज़रूर फॉलो करें, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक जो है दे दिया गया है, और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मैंने वहाँ पर दे दिया है, और फेसबुक लोग जो लोग फेसबुक यूज़ करते हैं तो फेसबुक पेज का भी लिंक वहाँ पर जो है दिया गया है, तो वहाँ पर जाकर आप हमें ज़रूर से फॉलो करें, क्योंकि नए नए डिज़ाइंस के वीडियोज़ और फोटो वहाँ पर जो अपलोड किए जाते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर। और टेलीग्राम का लिंक जो ग्रुप है वो अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ पर भी जो है ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप वहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो दे दिया है, तो वहाँ पर भी जाकर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सके। मैं फिर मिलूँगा आपको एक नए वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ में।